और वही जबलपुर में नकली खाद बेचने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। शहर के शैपुरा क्षेत्र में किसानों को ब्रांडेड खाद की बारी में नकली ऑर्गेनिक खाद बेची गई। ये खाद एक नामी कंपनी के नाम पर भ्रामक तरीके से मार्केट में लाया गया था। जब कृषि विभाग की टीम ने जांच की तो पाया कि खाद के पैक पर ना तो निर्माण तिथि की ना ही बैच नंबर था। जांच के बाद कृषि विभाग ने थाने में संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई। बता दें कि इससे पहले बेलखेड़ा में भी 44 पूरी नकली खाद पकड़ी गई थी। उर्वरक प्रतिष्ठान है उसका भौतिक सत्यापन कराया गया था और जिसमें एक सरस्वती फर्टिलाइजर जो दुकान है शाहपुरा में उसमें पाया गया कि जो PSV है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो राशि सरदार DAP के नाम से सेल किया जा रहा था। दुकान में उसका ओ फॉर्म भी जुड़ा हुआ नहीं था उनके लाइसेंस में और जब इनका पूरा डिटेल लिया गया कंपनी का तो ये बड़वानी में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका हमारे जो डायरेक्टर भोपाल से इसकी परमिशन है परंतु राशि PSV के नाम से का प्रोडक्ट बेचने के लिए इनको परमिशन है और इनके द्वारा ब्रांड का यूज़ किया गया सरदार DAP जिस पर आज विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमारे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के धाराओं के अंतर्गत हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं मेघा अग्रवाल उनने शाहपुरा थाने में FIR दर्ज कराया।